काफी स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, तो अब आगे क्या होगा और आगे के क्या स्टेप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको NCWEB से जुड़े एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। NCWEB में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि काफी लोगों ने कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें। मुझे कमेंट में पूछा गया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा। रजिस्ट्रेशन आपका पहला स्टेप होता है और उसके बाद फिर कॉलेज द्वारा कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है। कट ऑफ लिस्ट आने के बाद आपको कट ऑफ लिस्ट में अप्लाई करना होगा। तो अब एक बार अप्लाई के प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है और काफी कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पे लो जाती है। तो आपको करना ये होता है कि आपको आपकी 12th क्लास की परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ की परसेंटेज को मैच करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी परसेंटेज 60 है, तो आपको कट ऑफ चेक करनी होगी कि कौन कौन से कॉलेज की कट ऑफ 60 गई है, और फिर आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जिस कॉलेज की कट ऑफ परसेंटेज आपकी 12th की परसेंटेज से मैच करती है, तो आप उस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ के अंदर अप्लाई करने के बाद आगे का काम कॉलेज करेगा। कॉलेज चेक करेगा कि आपने जिस कट ऑफ लिस्ट में अप्लाई किया है उस कट ऑफ लिस्ट की परसेंटेज आपकी 12th की परसेंटेज से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और साथ ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो ठीक है या नहीं, उनमें कुछ गलती तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर और कोई अदर मिस्टेक। कॉलेज इन सबको वेरीफाई करेगा। आपकी परसेंटेज और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको आपकी एडमिशन फीस भरनी होगी। जैसे आप एडमिशन फीस भर दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एडमिशन का, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और कुछ बच्चे परेशान है इस बात को लेकर कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरी इतनी परसेंट आई है मेरा होगा या नहीं होगा, और कुछ यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि किसका एडमिशन होगा। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये सब कट ऑफ पे डिपेंड होता है। कट ऑफ का हाई जाना या लो जाना काफी मायने रखता है। तो अभी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, तो इसलिए आप फालतू की वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, आप बस कट ऑफ का वेट कीजिए। और कट ऑफ लिस्ट की बात करें कि कितनी कट ऑफ लिस्ट आने वाली है, तो यहाँ पर 5 कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएंगी और इन 5 कट ऑफ के बाद अगर कॉलेज के अंदर सीट बचती है तो उन वैकेंट सीटों के लिए एक 6th कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी, जिसे कि आप स्पेशल ड्राइव कट ऑफ लिस्ट कहते हो। ये 6th कट ऑफ तभी आएगी जब सीट वैकेंट होगी। अगर सीट वैकेंट नहीं होगी, अगर 5वीं कट ऑफ तक सीट भर गई होगी सारी, तो ये 6th कट ऑफ लिस्ट नहीं आने वाली है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।